हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम एक होम रेमेडी बनाने जा रहे हैं जिसे हम सीरम कहते हैं। सीरम जो है बिल्कुल ये होम बेस होगा। जो चीज़ें हमें घर पर इजीली मिल जाती हैं उनसे ही हम लोग ये बनाएंगे। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, और नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है बादाम का तेल, लिया है 1 टेबल स्पून। मैं इसे ऐसे ही डाल लेती हूँ। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हमें जो चाहिए सेकेंड इंग्रेडिएंट है, हम लोग यूज़ करेंगे इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, या तो आप इसमें इसे भी हमें टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही चाहिए। ये हमारी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना बनाना है। अभी जो ये मैं बना रही हूँ आपका 3 या 4 डेज़ के लिए है, जो बना रही हूँ मैं अभी। जो हमें अब इसमें जो डालना है, इसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, एक डाल रही हूँ। जैसे जैसे हमें चाहिए होता है इस तरह से होता है, आप देख लीजिए। हम इसमें इसे 2 भी डाल सकते हैं अगर हमारी स्किन ड्राई है काफ़ी। तो ये मैं 3 या 4 डेज़ के लिए बना रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा, आधा जो टेबल स्पून है उसके लगभग हम लोग ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और इसमें हमें चाहिए अगर हम 3-4 डेज के लिए बना रहे हैं, तो कम से कम 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। ये जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इस जो एलोवेरा जेल है, मैं अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रही हूँ, आप भी किसी अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करना। ये मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग इसको डाला है इसमें। हम इसको 3-4 दिनों के लिए बना रहे हैं। तो इसमें अगर हमें इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो, जैसे 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए, तो हम इसमें डबल करके ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे हमें 3 टेबल स्पून ले लिया है एलोवेरा जेल, और हाफ हाफ टेबल स्पून ग्लिसरीन लिया है, और 2 टेबल स्पून इसमें हम गुलाब जल लेंगे, और बादाम का तेल है वो भी हम, अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हम उसमें 3 टेबल स्पून ले सकते हैं 1 मंथ के लिए। और अगर हम इसे कम भी रख सकते हैं अगर हमारी ऑयली स्किन है तो। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो भी हम इसमें 3 या 4 डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें ऑलिव ऑयल भी डाला है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं इसे, और नहीं तो आपकी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑयल, आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो गाइस, अगर जो हमें इसको यूज़ करना है, लगाना है, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसे लगाने से सबसे पहले हमारा जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हम किसी भी फेस वॉश से अच्छे से, तो जो अपना स्किन है उसको क्लीन करेंगे, फेस को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा सीरम है रेडी हो चुका है। ये हमारा 3 या 4 दिन के लिए हो सकता है फेस के लिए। इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हमें।
अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हमें इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारी नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है तो हम रात को 1 बार यूज़ कर सकते हैं या दिन में 1 बार, सुबह मॉर्निंग में या नाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो और जो इससे आपके स्किन है वो अच्छी हो जाएगी, स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दाग धब्बे काले घेरे सब इससे ठीक हो जाते हैं। पर यह है कि इसका एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे ही मिलेगा, कुछ हमें इस पर इसको टाइम देना होगा, कुछ समय के बाद ही हमें इसका रिजल्ट नज़र आएगा। पर ये हमारा जो भी है हमारी स्किन पर छाइए हैं, दाग धब्बे हैं काले, वो सब इससे ठीक हो जाते हैं और स्किन भी बिल्कुल सॉफ्ट और चमकदार हो जाती है, जैसे कि हम छोटे बच्चों की स्किन होती है तो उस टाइप से बहुत अच्छा हमारी स्किन हो जाती है। तो गाइस आपको भी मेरा वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे बताइए, इसे यूज़ कीजिए, ये इजीली सब चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती ही हैं, मिल जाती हैं, तो ये होम मेड ही है टोटली, ये भी बिल्कुल होम मेड रेमडी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।